बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब सर्विस पाकिस्तान में खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू जॉब और एजुकेशन की वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, बात करते हैं जॉब की। मीरपुर खास एंटी इंक्रोचमेंट के अंदर ज़बरदस्त जॉब्स आई हुई हैं। पूरे सिंध के डोमिसाइल के लिए ये जॉब है दोस्तों। सिंध वालों के लिए बेहतरीन मौका है ये। इंशाल्लाह इस बारे में कम डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन सी जॉब है, किस तरह अपने अप्लाई करना, क्या तरीके का। दोस्तों, बात करें हम जॉब की। बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर एंटी इंक्रोचमेंट मीरपुर खास एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड प्रोस्क्राइब फ्रॉम द फुलफिल द फॉलोइंग वैकेंसी। सारी है, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ज़बरदस्त जॉब से इसके अंदर हम सबसे पहली जॉब है वो असिस्टेंट बीपीएस 16 की जॉब है। ग्रेजुएट सेकेंड डिवीजन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस। दोस्तों, कोई भी लड़की या लड़का जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन की हो वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकती है। और ये ज़बरदस्त पे स्केल है, 16 आपको पे स्केल दिया जा रहा है। असिस्टेंट की जॉब है, प्रोवेंस है सिंध डोमिसाइल के, सिर्फ सिंध के लोग डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे सिंध के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 28 साल। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेजुएट, ये सिर्फ स्टेनोग्राफर की जॉब उनके लिए है जिन दोस्तों को टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का पता हो, जिन लोगों को शॉर्ट हैंड आती हो। दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती, आपको शॉर्ट हैंड के बारे में पता नहीं है, तो मेरी काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने पैसे ज़ाया मत करना, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की टाइपिंग शॉर्ट हैंड वालों के लिए जॉब होती है, जिसको पिटमैन शॉर्ट हैंड कहते हैं, वही लोग इसमें अप्लाई करें। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की 12 सीटें हैं। इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, DIT सर्टिफिकेट, टाइपिंग जिसकी 40 WPM है। जिस भाई को टाइपिंग आती हो तो वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के बाद भी टाइपिंग सीख सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद 2 से 3 से 4 माह में आपकी टेस्ट होगी। उससे पहले पहले इंशाल्लाह आप 30 से 40 स्पीड निकाल सकते हैं। तो आप अगर आपको शौक है डेटा प्रोसेसिंग अप्लाई करने के लिए, तो तभी आप इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इसका चलान है 1000 रुपये। इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि ताकि किसी भाई का हमारा चलान वगैरह ज़ाया ना हो। सिंध प्रोवेंस से 18 से 28 साल इसकी है। उसके बाद अकाउंटेंट की जॉब है, बैचलर डिग्री कॉमर्स फाइनेंस ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी उन्होंने दी हुई है, बैचलर डिग्री इन फाइनेंस के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इस वीडियो को कंप्लीट देखो तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट मेथड बताऊँ कि आप लोग किस तरह घर बैठे सुकून से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रीडर की जॉब है, BPS 10 है, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, प्रेफर्ड बाई एक्सपीरियंस विद एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोर ट्रिब्यूनल। दोस्तों, रीडर की आपके लिए जॉब है, उसके लिए बैचलर डिग्री मांगी है। सिंध प्रोवेंस से 18 से 28 साल इसकी है। उसके बाद है दफ्तरी BPS 09, मैट्रिक कैलकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, सिर्फ आपके पास मैट्रिक में हो। और ये जॉब सिर्फ है मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये पूरे सिंध के लिए नहीं है। 18 से 28 साल है। फिर उसके बाद ड्राइवर की जॉब है, ये भी मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के लिए है मैट्रिक। उसके बाद चौकीदार, ये भी मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है स्वीपर की। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर अप्लाई की, तो उसके अंदर आपने अप्लाई किस तरह करना आप लोग देख सकते हैं। इसकी टर्म्स और कंडीशन है, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसके अंदर अप्लाई करें। गवर्नमेंट सर्वेंट NSU लेकर अप्लाई करें। उसके बाद है इनकम्प्लीट, जो 12वें नंबर पे है उनको अप्लाई नहीं किया जाएगा, जिनके फॉर्म वगैरह इनकम्प्लीट हुआ। उसके बाद है 13 TAD नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है 14 टेस्ट अवेन्यू एंड टेस्ट लेटर थ्रू SMS, जब आपकी टेस्ट और डेट होगी वो आपको बाई SMS के थ्रू या लेटर के थ्रू बता दिया जाएगा। उसके बाद है DSC इंक्रीज और डिक्रीज, वो जो आप भी कभी कर सकते हैं। उसके बाद 16 नंबर पे कैंडिडेट कैन अप्लाई। दोस्तों, ये मैं आपको अप्लाई करने की टर्म्स और कंडीशन बता रहा हूँ। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन, जो हमारे भाई दो पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने दो अलग अलग फॉर्म लेने हैं और अलग अलग अप्लाई करना है दो अलग अलग पोस्टों के लिए। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 17वें नंबर पे, प्लीज़ अटैच ओरिजिनल पे आर्डर। दोस्तों, आपने इसके अंदर जो चलान वगैरह पेड होता है तो उसका तरीकेकार उन्होंने कहा है कि आपको 1000 रुपये का पे आर्डर बनवाना है फॉर सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक। जो लोग 1 से लेकर 5 तक अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 1000 रुपये का पे आर्डर उन्हें बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद है 600 ओनली सीरियल नंबर 6 से लेकर 9 तक, एट लीस्ट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चार्जेस नेम। दोस्तों, जिसकी 6 से लेकर 9 तक हैं वो सिर्फ 600 रुपये का पे आर्डर बनवाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारा तरीके का रहे, उन्होंने अपनी डिटेल दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। विथ रिटन टेस्ट शेड्यूल कंडक्ट थ्रू द लीडिंग लेटेस्ट असाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारे तरीके का आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इम्प्रॉपर्ली फिल्ड बाई इनकम्प्लीट विदाउट एनी पे आर्डर वुड डिमांड ऑफ रिजेक्ट, जिसने पे आर्डर वगैरह नहीं भेजा उसको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट बाय हैंडेड, और बाय हैंड भी ये लोग आपकी जमा नहीं करेंगे, आपने इसको बाय कोरियर TCS के जरिए ही भेजना है। उसके बाद DSC विल नॉट बी रिसेटेबल रिसेप्ट एप्लीकेशन। दोस्तों, उसकी आखिरी तारीख है 31/12/2018, और इसके जो मैनेजर हैं वो जुल्फ़कार अली सोलंगी, जज प्रेजिडेंट ऑफिसर एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल मीरपुर खास। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने ही है, सिंपल आपका एप्लीकेशन फॉर्म है बिफोर द एंटी इंक्रोचमेंट टर्मिनल मीरपुर खास, ये आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दी है। दोस्तों, इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा ये जॉब आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, ये बेहतरीन जॉब से, दोस्तों ये मेरा काम था वीडियो आप तक पहुँचाना। अभी आप लोगों का काम है कि सिंध में हमारे जितने भी बेरोजगार भाई हैं, बहनें, ब्रदर्स हैं, ये भाई राना वाजिद आपकी इस तरह हेल्प करता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को आग की तरह फैला दो ताकि
पूरे सिंध के अंदर ऐसे लोग जो बेचारे बेरोजगार से तंग आ गए हैं, और जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपकी एक शेयर करने से उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करना, और कमेंट्स करके मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज़।